अपने एमपी में निकलता है कच्चा लोहा, उड़ीसा में बनता है सरिया। पिछले एक महीने में लोहे के दामों में 1600 रुपए प्रति क्विंटल की कमी आई है। एक महीने पहले तक लोहा 7800 रुपए क्विंटल बिक रहा था, अब 6200 रुपए प्रति क्विंटल है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश का लोह उत्पादन में देश में छठा स्थान है? सरिया बनाने का लोहा कहाँ से आता है, मिट्टी से लोहा कहाँ से और कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जानते हैं लोहे के दाम की मौजूदा स्थिति। प्रदेश सरिया एसोसिएशन के सदस्य सुधीर दुबे के मुताबिक कोविड के चलते मार्च 2020 से अप्रैल 2021 तक कंपनियों में लोह उत्पादन धीमा हो गया था। कोविड के चलते डिमांड नहीं के बराबर थी, तब तो कीमत 4500 रुपए प्रति क्विंटल आ गई थी। जब तक सामान्य होने लगा तो लोहे के दाम में उछाल आने लगा। सितंबर तक स्टील लोहे की छड़ की कीमत में इजाफा हो गया था। अगर बात करें पिछले 6 साल की तो 117% तक इजाफा हुआ। पिछले महीने तक लोहे की कीमत 7800 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई थी। जुलाई तक 5900 रुपए प्रति क्विंटल रेट था। अब एक बार फिर लोहे में नरमी देखी जा रही है। नवंबर में लोहा 6500 रुपए प्रति क्विंटल आ चुका है। प्रदेश में सबसे अधिक आयरन और कच्चा लोहा की खदानें जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट और विदिशा में है। एमपी के इन खदानों में इतना लोहा है कि ये 50 साल से ज्यादा तक चलेगा। अपने एमपी में निकालने वाले आयरन ओर से ओडिशा में सरिया बनता है। प्रदेश में लोहे की हेमेटाइट अयस्क वाली खदानें अधिक है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें लोहे की अधिक मात्रा होती है। हेमेटाइट अयस्क में 40-60% लोहा होता है। मिट्टी से लोहा कैसे निकाला जाता है? गोसरपुर और मझगवा में आयरन की ओर से कई खदानें हैं। इन खदानों में हेमेटाइट कैटेगरी का लोह अयस्क मिलता है। अलग अलग खदानों में 60-70 फीट गहराई में लोह वाली मिट्टी को जेसीबी और दूसरी बड़ी मशीनों से खोदा जा रहा है। इस मिट्टी को मालगाड़ी से उड़ीसा भेज दिया जाता है। अब गोसलपुर में के धर्मपुरा में भी वेनिफिकेशन प्लांट लग गया है। अब आसपास की खदानों से निकलने वाले लोह अयस्क वाली मिट्टी से यहीं पर 63 ग्रेड का आयरन ओर निकाला जाता है। यदि इस ग्रेड के 100 किलो आयरन ओर को भट्टी में पिघलाया जाएगा तो 63 किलो लोहा प्राप्त होगा। इसे पिघले लोहे को क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग किया जाता है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पिघले लोहे से रेल की पटरियां, खंभे और सरिया आदि बनाया जाता है। जियोमिन इंडस्ट्रीज नाम के इस प्लांट में खदानों से लोह अयस्क वाली मिट्टी को डंपरों से लाया जाता है। इस प्लांट की क्षमता 5000 टन रोज की है। रेत, कंकर, मिट्टी आदि को पहले चूड़ा बनाकर पानी से धोते हैं। इसके बाद उसे बारीक पीस कर धोते हैं। इससे आयरन और अशुद्धियां अलग हो जाती है। इसके बाद मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। यहाँ लोहे के बारीक कण और दूसरे कण अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में अयस्कों को 2 रोलर के ऊपर रबर की बेल्ट के सहारे गुजारते हैं। इस रोलर चुंबकीय प्रभाव वाला होता है। इसके बाद आयरन ओर का ग्रेड एक समान 63% हो जाता है। यह देखने में कोयले की तरह काला दिखता है। इसी को मालगाड़ी से उड़ीसा भेज दिया जाता है। यहाँ इसे पिघलाकर सरिया सहित दूसरे निर्माण होते हैं।